हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो में एंड तक आप जरूर से बने रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर, यानी कि अध्याय 1, वास्तविक संख्या के 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वास्तविक संख्या जो कि चैप्टर का नाम है, उससे रिलेटेड 2-4 बातें आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह से प्राप्त होता है, ठीक है। आप लोग सोचेंगे परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अपरिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा ना जा सकता हो, जहाँ p और q दो पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ये है सिंपल सा इसका परिभाषा। एक्सरसाइज 1.1 में चलेंगे। एक नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के उन संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड यानी एलसीएम मेथड होता है इस तरीके से, ठीक है, यानी कि 2 से 140 को डिवाइड करना है। तो आएगा कितना बार में, 70 बार में। फिर 2 से 70 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 35 बार में आएगा। फिर 35 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा, 7 बार में आएगा, यानी 5 7 35। फिर आपका जगह लिखना क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7, तो 2 का यानी 2 का पावर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर × 5 × 7 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 140 का। बी नंबर प्रश्न है आपका, जाके 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका जाके गुणनखंड निकालना है। 156 को फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 78 बार में 156 आता है 2 का पावर में, ठीक है। फिर 2 से 78 को डिवाइड करेंगे यानी कि 39 होगा। फिर 39 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, आपका जाके 13 से डिवाइड करेंगे यानी कि 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 3। तो हम लोग को लिखना है फिर 156 यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है 2 × 2 × 3 × 13, 2 का स्क्वायर 3 × 13 लिख देना है आंसर में, ठीक है। इसी तरीके से सी नंबर चलेंगे 3825, इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले इसको आपका जाके 3 से डिवाइड करेंगे यानी कि 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट में 3 है यानी कि 3 × 1 = 3, सेकंड में 8 है, 3 × 2 = 6, बचा कितना, 2, 3 × 7 = 21 यानी बचा कितना, 1 × 3 = 5 = 15 हो गया। इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा इसको आसानी से, ठीक है। कितना डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 यानी 7 में से 1 बचा है, 3 × 5 = 15। फिर आप जाके इसको 5 से चलाएंगे तो 5 × 85 = 425 होता है, ठीक है। फिर 5 से 85 कुछ बाहर डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका जाके 17। आपको लिखना है 3825 का अभाज्य गुणनखंड, इसको इंटू करके लिख देना यानी 3 × 3 × 5 × 7 = 17, ठीक है। तो 3 का पावर 3 × 5 × 17 होगा, ठीक है। डी और ई इसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 2 नंबर प्रश्न है आपका जाके, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम याद कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इनटू एलसीएम है। ये नंबर प्रश्न है 91 और 26, तो इसका एलसीएम पहले निकालते हैं। तो 13 से चलाएंगे, 13 × 2 = 26, 13 × 7 = 91 होता है। एलसीएम इस तरीके से सबको इनटू कर देना है, ठीक है। 13 × 2 × 7 दैट मीन्स हो जाएगा 91 × 2 दैट मीन्स 82। तो 91 और 26 में कॉमन क्या है दोस्तों, तो 13 कॉमन है तो वो हो जाएगा एचसीएफ। जो चीज़ कॉमन आए वो हो जाएगा एचसीएफ, जो कॉमन नहीं आएगा सबको इंटू कर दीजिए। बाकी सेम क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ए नंबर प्रश्न 12, 15, 21, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से लिखना है। 12 को किसको किसको गुणा करने के बाद 12 आएगा, यानी कि 2 × 2 × 3 को जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। 15 को लिखेंगे, लिख सकते हैं 3 × 5, 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। सब में से जो चीज़ कॉमन आएगा यानी सब में से देखिए 3 जो है वो कॉमन है, तो इसलिए वो 3 जो क्या होगा 12, 15, 21 का एचसीएफ कहलाएगा आपका जाके 3। सेम टू सेम चलेंगे, 12, 15, 3 का एलसीएम। तो एलसीएम में जो चीज़ कॉमन आएगा उसको एक बार लिखना है, बाकी सबको लिखते जाना है यानी इंटू करके चलना है, 2 × 2 × 3 × 5 × 7 दैट मीन्स आएगा 420। बी नंबर को सॉल्व करके दिखाते हैं, 17 × 23 और 29, तो 17 यानी 17 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है 1 × 17। इसके बाद 26 का अभाज्य गुणनखंड यानी 1 × 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 × 29, 17, 23, 29 का एच सी एफ, सब में कॉमन 1 है दैट मीन्स एच सी एफ 1। एल सी एम सबको इंटू कर देना है कितना, 17 × 23 × 29 दैट मीन्स होगा 11339। सेम टू सेम 4 नंबर प्रश्न चलेंगे, एच सी एफ 3065657 का इक्वल टू 9 है, तो एल सी एम 3065657 ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला को याद करके रखिएगा, ये वाला जो ब्लैक में लिखा हुआ है, और आप इस क्वेश्चन को बेझिझक सॉल्व कीजिए। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग एल सी एम में कन्वर्ट करते हैं यानी एल सी एम का फॉर्मूला निकालते हैं, तो हो जाएगा पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा एच सी एफ पी कोमा क्यू। सिंपल है, एल सी एम की जगह में लिखेंगे, एल सी एम के बगल में पी क्यू की जगह में लिखेंगे 306 और 657, तो पी और क्यू इंटू क्यू होगा 306 × 657। जब इसको इंटू करके इस तरीके से लिखेंगे आपका जाके नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जब इन लोगों को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2011042,
जब नीचे HCF 306 और 657 का जो वैल्यू है ऊपर में दिया हुआ है कितना 9, तो वो इस वैल्यू को पुट कर देना है इस तरीके से। फिर जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है, ठीक है। आप खुद से डिवाइड कर लीजिएगा, जो कि मुझे आया ही नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पे नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए।